भारत में जिस तरीके से राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और इसी को लेकर अब तकलीफ हो रही है उन विदेशी ताकतों को जो कि अपने पैसे के आधार पर किस तरीके से राष्ट्रवाद को खत्म करना चाहते हैं, और उसमें से एक नाम है जॉर्ज सोरस, यानी कि अमेरिका के ये बिलियनर हैं जिन्होंने आज पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया, और उन्होंने हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट और वहीं गौतम अडानी को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम बातें कही हैं और कहा है कि इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से लिंक निकलकर सामने आया है जॉर्ज सोरस का। एक तरफ कांग्रेस डिनाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तमाम पुराने ट्वीट जो है वो नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो शशि थरूर के हों या फिर भारत जोड़ो यात्रा में उन एनजीओ के मालिक हों जिनमें फंडिंग की गई है जॉर्ज सोरस के द्वारा। इस पूरे मामले पर हम जनता की राय लेंगे, और अभी हमारे साथ हैं रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि जॉर्ज सोरस से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लिंक और पुराने ट्वीट ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से लिंक रखती है जॉर्ज सोरस से। देखिए, मोदी जी ने लोकसभा में साफ कह दिया है, मुझे एक अकेले से ये सारे के सारे डरे हुए हैं, और इसमें सारे के सारे विपक्षियों के साथ साथ विदेशी ताकतें भी। सिर्फ एक मोदी से इतना चिलमिलाहट इतनी कि भाई 78% वोट पाके एक बंदा वर्ल्ड का नंबर वन नेता बन गया, जो व्यक्ति अमेरिका तक में रोजगार दे रहा है उससे जलन तो होगी। अब उस बंदे ने बॉइंग और एयरबस खरीदने की बात करी, तो अमेरिका के जॉय बिडन ने भी प्रेस रिलीज जारी करी है, थैंक यू, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी चल रही थी, महंगाई चल रही थी, इतना बुरा हाल था, आपने हमें रोजगार दे दिया और भारत बिक गया। ऐसा कुछ लोग बातें करते हैं, भाई भारत में ये बिक गया वो बिक गया, अरे भैया क्या बिक गया। ये जॉर्ज सोरस वो व्यक्ति है जो किसान आंदोलन जो हुआ था उस समय पर भी कुछ विदेशी ताकतें जो यहाँ पे दंगे करवाना चाहती थी, जो लाल किले तक पहुंची थी 26 तारीख को, और जो इस देश में एक बड़ा गृहयुद्ध की तैयारी कर रहे हैं उसको बैकअप कर रहे हैं। इनकी ओपन सोसाइटी जो इनकी संस्था है उस पर मोदी जी ने जब से बैन लगाया है तब से बिल बिल आ रहा है, और ये फंडिंग ऐसी ताकतों को करता है। जैसे आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ, चैनल का संसद ठप कर दी गई थी पेगासस के नाम पर, मैडम आपने भी रिपोर्टिंग करी होगी, पूरा संसद सत्र बन रहा, द वायर की रिपोर्ट थी, आरफा खानम शेरवानी पत्रकार है जिसने इंटरव्यू किया था बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं का, षड्यंत्र के तहत कि भैया ममता बनर्जी के भतीजे का फ़ोन ट्रेस हो रहा है, पेगासस का इजरायली वायरस है, ये यहूदी लोग हैं, ये है और वो है, कहानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे अपने फ़ोन जब्त कर दो, फ़ोन पता है कितने जब्त हुए, 9, और 9 जब फ़ोन जब्त करके चेकिंग की गई सुप्रीम कोर्ट की जो जो कमेटी बैठी थी उस कमेटी ने क्या निकाला, कुछ भी नहीं निकल के आया। फिर एक दोबारा जॉर्ज सोरस का तो बयान आ गया अडानी जी के खिलाफ, अडानी एक स्वदेशी उद्योगपति है, एक आप ही के चैनल से, जैसे एक चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने क्या कहा, मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, गुजराती बाय बर्थ ये बिजनेसमैन होता है, मैं संघर्ष किया मैंने, और मेरा पहला पोर्ट मुझे देने वाला कौन था, राजीव गांधी। क्या राजीव गांधी की जांच करोगे? राजीव गांधी वो व्यक्ति है जिस पे बोफोर्स घोटाले का नाम लगा, आज ये कहते हैं कि भैया हिंडनबर्ग के कहने पे जांच कर दो, तो जांच तो सोनिया गांधी की होनी चाहिए, दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला, उसका एक मैगजीन में नाम छप गया था, जांच तो इस चीज़ की भी होनी चाहिए कि KGB से कौन कौन फंडिंग लेता था, रशिया की पूर्व एजेंसी थी, खुफिया एजेंसी, जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उसने MOU साइन किया है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, क्यों भैया भारत के देश का MOU तो सुना था हमने, कांग्रेस पार्टी का राजीव गांधी फाउंडेशन को 80 करोड़ वो फंड भी दे रहे हैं और MOU भी साइन कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जॉर्ज सोरस एक बहुत षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो भारत में इंस्टेबिलिटी लाना चाहता है और मोदी जी को सत्ता में से हटते देखना चाहता है, भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, राष्ट्रवाद का उबाल मार रहा है भारत के लोगों में, क्योंकि आज हम पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा चुके हैं, चीन को हम तवांग में जवाब देते हैं, हमारी सेना के साथ मोदी जी आज 8 साल हो गए हैं उनकी सत्ता में आए हुए, हर दिवाली उन्होंने उनके साथ मनाई है, 25 साल का उनका पॉलिटिकल एक करियर है मोदी जी का, उसमें उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं ली है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो और गुजरात छोड़ के प्रधानमंत्री बनने भारत दिल्ली में पहुंचे थे, उस समय पे सारा पैसा उन्होंने कन्याओं के भले में दे दिया था, जो उनके आजू आसपास में जितने भी उनके वर्कर थे उनकी बेटियों को डोनेट कर दिया था। तो इस ऐसे महान व्यक्ति को कोई भी हटाना चाहेगा जो देश विरोधी होगा, क्योंकि मोदी जी बात करते हैं काशी कॉरिडोर की, मोदी जी बात करते हैं केदारनाथ के सौंदर्यकरण की, मोदी जी बात करते हैं
जो हमारा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पे महाकाल लोक बना देते हैं। मोदी जी मथुरा में मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए 500 एकड़ जमीन का बात करते हैं और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका जी। बात यहाँ पर यह भी है कि मोदी के खिलाफ जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बार कांग्रेस बयानबाजी करती है, जॉर्ज सोरस को लेकर आज उनके बयान जो आए हैं देश विरोधी वो बयान है, एक तरफ जवाब दिया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है हमारा लेना देना नहीं है, जो पुराने लिंक सामने आ रहे हैं इस पर क्या कही मैडम? एक जो संस्था है जैसे आपने देखा होगा ये कुछ खालिस्तानी तत्व भारत में घुसे थे जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उस समय पे एक चैनल है उसका नाम है स्ट्रिंग, उसने जोर सौरभ पे जब वीडियो चलाई ना भारत के जो उन मीडिया वाले जो राहुल गांधी की गोद में बैठ के मीडिया का वर्क करते हैं और एक षड्यंत्र करते हैं भारत के विरुद्ध, उस पर एक रिपोर्ट छापी जोर सौरभ से उनका लिंक दिखाया, उसमें द क्विंट द वायर न्यूज़ लॉन्ड्री इन सबको वो फंडिंग करता है भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए, मोदी विरोधी हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, विपक्षी पार्टियों को ग्लोरीफाई करता है, मोदी जी को और मोदी जी को संघ को बीजेपी को हिंदू संगठनों को क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। लेकिन अब सोच के देखिए जो जॉर्ज सोरस है वो इनको फंडिंग क्यों कर रहा है और इनकी जितनी भी रिपोर्ट है जैसे मैंने बताया संसद ठप करवा दी, और ये रिपोर्टें तभी क्यों आती है हिंडनबर्ग संसद सत्र से पहले क्यों आती है, पेगासस संसद सत्र से पहले क्यों आता है, 27 बैठकें हुई थी किसानों के साथ और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट पे जब SIT बनी थी तो SIT कब आई, जब मोदी जी ने कहा भैया आप तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे है हम किसानों को कहते घर जाओ, और मोदी जी ने कहा ठीक है हम वापस लेते, लेकिन उसमें 80% किसान सपोर्ट में थे जो SIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उस बात को भी नोटिस करना चाहिए कि तेलंगाना में कोई आंदोलन नहीं आता लेकिन जो सोरस द्वारा फंडेड जो लोग बैठे थे और जो फंडिंग आ रही है अभी भी भारत में बहुत सारे NGO को जो हवाला के जरिए आ रही है जो कि कुछ कंपनियों के द्वारा आ रही है, मैडम इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते। जॉर्ज सोरस सुन लो, हम हिंदूवादियों का संकल्प है मोदी जी को 400 से ज़्यादा सीटें जिताएंगे, तन मन धन जीवन लगा देंगे, लेकिन जॉर्ज सोरस कांग्रेस पार्टी का सफाया कर देंगे और कांग्रेस मुक्त भारत करके रहेंगे। ये जॉर्ज सोरस जैसे लोग जैसे इन्हें उखाड़ के एमनेस्टी इंटरनेशनल को उखाड़ के इस देश में से फेंका गया है वैसी कांग्रेस मुक्त भारत भी हम करेंगे और कोई षड्यंत्र यहाँ सफल नहीं होने दिया जाएगा चाहे ये कितना भी जोर लगा ले। आज ये सबके सामने आ गया है, फ्रांस का राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं जो इमैनुअल मैक्रोन है वो मोदी जी के कहने पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी एप्पल की कंपनियाँ बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियाँ लग रही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में मोदी जी की वजह से संभव हुआ है। आज हम जो 65 सालों में जितने एयरपोर्ट बने थे मोदी जी ने 9 साल में डबल कर दिए हैं वो एयरपोर्ट, मोदी जी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, हर जगह वंदे भारत एक्सप्रेस चलवा रहे हैं और मोदी जी को इसीलिए रोका जा रहा है क्योंकि वो महान विपक्ष और तमाम पार्टियों को या फिर कांग्रेस को इसीलिए डर है 24 के चुनावों से कि बढ़ती जिस तरीके से राष्ट्रवाद बढ़ रहा है लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसीलिए बाहर की विदेशी ताकतों की जरूरत पड़ रही है जिस तरीके से जॉर्ज सोरस का नाम लगातार कांग्रेस के साथ आ रहा है। मैडम कांग्रेस वाले हैं ना पहले से षड्यंत्र करते आए हैं देश के खिलाफ, कब नहीं किया, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो जाती है कांग्रेस वालों ने कभी जांच बैठाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो आकस्मिक अब देखो उसे मैं मृत्यु नहीं कहूँगा उनको भी गायब करवाया गया था, उनका खजाना लूटा नेहरू ने, कोई जांच नहीं हुई, इस देश में सिक्कों का नरसंहार हुआ कोई जांच नहीं हुई, कांग्रेस वालों को अब सज़ा दी जा रही है मोदी कार्यकाल में, आप सोच के तो देखो सिक्कों में 7 से 8 हज़ार सिक्कों का नरसंहार कर दिया गया था, अब जाके 1 या 2 को सज़ा हुई है जगदीश टाइटलर या 1-2 लोग, तो यही तो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा षड्यंत्र करते आई है। सांप्रदायिक लक्षित हिंदुत्व बिल कांग्रेस लाई थी इस देश में हिंदुओं के विरोध में, क्या आपने पढ़ा है? वो पढ़ के देखेगा ना कोई भी हिंदू या कोई भी ऐसा व्यक्ति सामान्य वो कहेगा कि कांग्रेस पार्टी इस देश में विघटन चाहती थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस ने बनाया जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी, क्या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड है इस देश में नहीं, वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने बनाया। आप एक बात बताओ मैडम, राम मंदिर का डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट से, अब हम काशी विश्वनाथ पे जब हम लेने गए डिसीजन तो वहाँ पे क्या कहा इन्होंने, एक बात कही कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो कब बना 1990 में, किसने बनाया? कांग्रेस ने। हम लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा, कांग्रेस की नीतियों को जानना पड़ेगा, गृह युद्ध की ओर ले जा रहे कांग्रेस और उसमें घी में तड़का और आग जलाने उस आग में घी और तड़का डालने का काम कर रहा है जॉर्ज सोरस जैसे लोग और कांग्रेस इन्हें सपोर्ट देती है, जैसे शशि थरूर का ट्वीट आया है ही इज़ माई फ्रेंड आई मीट हिम और बहुत कुछ बोला उसने और बेस्ट फ्रेंड है और यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा,
भारत के उद्योगपति फले फूले तो इन्हें दिक्कत है अडानी अंबानी से। अंबानी के साथ बैठ के खाना खाती थी इंदिरा गांधी, और अडानी अंबानी आज पैदा नहीं हुए हैं, ये बहुत पुराने उद्योगपति है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, कभी उदाहरण तो दो, आज वो सबसे बड़े बन गया है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें आगे मोदी जी का साथ देना है और इनको समाप्त करना है, कांग्रेस मुक्त भारत करना है।